पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुकामी वकील ने दायर की, जिसमें इमरान खान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान की सरबराही में अदलिया के खिलाफ मुनज्जम कैंपेन चलाई जा रही है। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कलदम करार देने पर जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई गई। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद में पेशी पर इमरान खान जत्थों के साथ अदालतों में पेश हुए। सरकारी इमारतों को नुकसान और नारेबाजी करते हुए अदालत में पेश होना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मजीद मौकफ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर प्लान करके हमला किया गया, जिसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे, और इमरान खान ने अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए वर्कर्स को जुडिशल कॉम्प्लेक्स बुलाया। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और उन्हें अदालत तलब करके जवाबदही करे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाई करके भारी मकदार में मुंशियात बरामद कर ली। गोजरा में तालीमी इदारों के तुलबा को सप्लाई की जाने वाली 36 किलो चर्स बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक महकमा इंसदाद मुंशियात के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गोजरा के करीब घर पर छापा मारा गया, जहाँ टोबा टेक सिंह के रिहायशी 2 मुलजिमान से 36 किलो चर्स बरामद कर ली गई। ANF का कहना है कि दोनों गिरफ्तार मुलजिमान चर्स तालीमी इदारों में तुलबा को सप्लाई करते थे। बलूचिस्तान के इलाके दलबदीन में भी कार्रवाई की गई, जहां बैरून मुल्क तरसील की गर्ज से छुपाई गई मुंशियात बरामद कर ली गई। ANF का कहना है कि 30 किलो हेरोइन पहाड़ी इलाके में खाई के अंदर से बरामद की गई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में भी ANF और FC ने मुश्तरका कार्रवाई की, जहाँ प्लास्टिक के थैलों में छुपाई गई 7 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF का कहना है कि तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान दारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका और इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। गुजरावाला में तंजीमी अहदेदारान के इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा के तंजीमी कन्वेंशन पार्टी को मजीद बेहतर और फाल बनाने का जरिया साबित हुए हैं। हमारी क्यादत आवाम की कारकर्दगी के इम्तिहान में सुरखरू हुई। उन्होंने कहा कि इमरानदारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है और इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हैं। लीगी रहनुमा का कहना था कि मुश्किल मौशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूब जाता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि साजिशों की साजिश है कि मईशत ना संभले, लेकिन हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। कौमी एयरलाइन ने फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया। रमा बरस हज के लिए कौमी एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज के किरायों का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। कौमी एयरलाइन ने प्राइवेट हज मुसाफरों का किराया $870 से $1,180 मुकर्रर कर दिया। प्राइवेट हज के तहत किराए साउथ रीजन के लिए मुकर्रर किए गए, जिनमें कराची, कोयटा, सखर, हैदराबाद से जाने वाले आजमीन शामिल हैं। नॉर्थ सेक्टर में लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहर शामिल हैं, जिनका किराया 910 से $1,220 मुकर्रर किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुमकिन तौर पर सरकारी हज के तहत जाने वाले आजमीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी उमूर करेगी। मुमकिन तौर पर 3,10,000 रुपए से 3,30,000 रुपए किराए मुतवक्के हैं, जबकि मुकम्मल सरकारी हज 10,25,000 रुपए तक होगा।
PIA मुमकिन तौर पर 38,000 से जायद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी, जिनमें 44,000 से जायद सऊदी एयरलाइन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली दो निजी एयरलाइन होंगी। PIA हज फ्लाइट ऑपरेशन जद्दा और मदीना के लिए बोइंग 777 एयरबस 320 इस्तेमाल करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तिलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दोहरे निज़ाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 200 पेशियां बामुकाबला 2 पेशियां 2 साल जेल बामुकाबला फौरी ज़मानत। उन्होंने मज़ीद कहा कि 6 माह तक ज़मानत नहीं के मुकाबले में एक दिन में 4 ज़मानतें, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सज़ा, गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी, सब छोड़ें आइन तोड़ने पर सज़ा तो दें। मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की 200 अदालती पेशियों और इमरान खान की 2 पेशियों का जिक्र किया गया है। तस्वीर में इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर करने का हैशटैग भी शेयर किया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत की बहाली को मुश्किल करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत की बहाली को मुश्किल करार देते हुए कहा कि मौशी सूरत हाल एक साल की गलती नहीं 75 सालों का खमियाजा है। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत की बहाली को मुश्किल करार देते हुए कहा कि मौशी सूरत हाल एक साल की गलती नहीं 75 सालों का खमियाजा है। कराची में साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है उस तरह नहीं चल सकता। मईशत बहाली बहुत मुश्किल काम है, मौशी बहाली के लिए मजीद कुर्बानियाँ देनी होंगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक साल की नहीं 75 बरसों की गलतियों के बायस यहाँ तक पहुँचा। शौकत तरीन ने IMF के बगैर बजट पेश किया, डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई, आज फिर डील कर रहे हैं। कोरोना के दौरान IMF ने छूट दी, हमने गलतियां की, बैरूनी कर्ज छोड़े, अब तो मुकामी कर्ज के चुंगल में फंसे हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली हुई, इसका मकसद ये था कि सूबों से मजीद निचली सतह पर मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकली की जाए, लेकिन इसके नतीजे में ये हुआ कि एक साम्राज्य की जगह 4 साम्राज्य बन गए और पैसे और इख्तियारात मजीद निचली सतह पर मुंतकिल ना हुए। उन्होंने कहा कि हम 57% पैसे सूबों को दे देते हैं, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर को देते, इंसदादे दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा को भी पैसे देते हैं, ये सब मिलाकर 62 से 63% पैसे बन जाते हैं, इसके बाद वफाक के पास पैसे ही नहीं रहते। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त बदतरीन गजाई किल्लत का शिकार है, 75 बरस में हम इस कौम को भूख प्यास और जहालत से आज़ाद ना करा सके। महंगाई की हालिया लहर सिर्फ अशराफिया का मसला है, क्योंकि गांव देहात में रहने वाला बच्चा तो 75 बरस से मौशी बहरान का शिकार है। पहली दफ़ा आप लोग भी गरीब हुए हैं तो आप लोगों के भी पेट में दर्द होने लगा है।